चैप्टर रहेगा आपका डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स, लोकतांत्रिक अधिकार जिसे हम लोग कहते हैं। डेमोक्रेसी में आप लोग कहते हैं, एज यू नो दैट डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। और आप लोगों को यदि राइट्स दिए जाते हैं तो आप लोगों को काम दिया जाएगा डेमोक्रेसी में। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, देयर वी आर टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ फंडामेंटल राइट्स दैट वी हैव टू बी एंजॉय, सेवन फंडामेंटल राइट्स, बट एट प्रेजेंट six fundamental rights. Which rights? That I have to be written all these name. The first is right to equality. The first is right to equality. समानता का अधिकार जिसे हम लोग कहते हैं, इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में दिया गया, राइट टू इक्वलिटी। द सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार जो करता है ये आर्टिकल 19 से लेकर 22, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है दैट इज गिवन राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम। एंड द थर्ड राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसे हम लोग कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें टू आर्टिकल 23 and 24, इनके बारे में तो मैं बता भी देता हूँ बेटा आप लोगों को। 23 में क्या होता है, बैन ऑन मूवमेंट ट्रैफिकिंग, जो मानव की खरीद बेच होती है उसके ऊपर बैन लगाने के लिए जो आर्टिकल है वो कौन सा है, 23। और फोर्स लेबर, बैन ऑन फोर्स लेबर जिसे हम लोग बेगार कहते हैं, टेकिंग वर्क विदाउट पेइंग मनी, किसी व्यक्ति से हम लोग काम करा देते थे लेकिन उसके बदले में हम पे नहीं करते थे बेटा, उसे हम लोग बोलते थे बेगार। लेकिन खड़े होना बताना, 23 आर्टिकल किससे रिलेटेड है बेटा, आर्टिकल 23 एक पॉइंट और आया था इसमें, वुमेन ट्रैफिकिंग एंड बेगार, दो वर्ड आप लोगों को याद रखने। एंड आर्टिकल 24 इज रिलेटेड टू बैन ऑन चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर ऑफ चिल्ड्रन दैट वी हैव टू बी टेकिंग वर्क, सो दैट आर्टिकल हैव टू बी बैन ऑन चाइल्ड लेबर। जो आर्टिकल 24 है वो चाइल्ड लेबर के ऊपर बैन लगाता है। आप लोग देखेंगे हमारे देश में छोटे छोटे बच्चे जिनकी एज 14 ईयर से कम होती है वो बच्चे आपको कई जगह पर काम करते हुए नजर आएंगे। तो कानून क्या बेटा, वो बैन लगाया गया है आर्टिकल 24 के द्वारा, भाई ऐसा कराना एक इलीगल एक्ट होता है, कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा कराएगा तो ये गैर कानूनी समझा जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि शोषण होने से बचाता है अधिकार हमारा। उसके बाद नेक्स्ट अड्डा इसमें राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। वैसे तो जनरली हम लोग इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट मानते हैं तो यहाँ पर हमें धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार मिलेगा, जिसमें आपके आर्टिकल हमारे 25 से लेकर 28, देयर आर मेनी मोर आर्टिकल दैट हैव टू बी गिवन इन द फंडामेंटल राइट्स, राइट टू रिलीजन या रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है बेटा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि धार्मिक मामलों में हम लोग स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को अपनाने की, उसका प्रचार करने की, ठीक है, धर्म के नाम पर हमें टैक्स पे करने की, ये हमें फ्रीडम देगी कंप्लीट रूप से। तो इसको बोल देता हम लोग राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये था बेटा हमारा फोर्थ फंडामेंटल राइट। द फिफ्थ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जिससे हमारा कल्चर होता है हमारी लैंग्वेज होती है उसको प्रोटेक्ट करने का। ये जो राइट्स दिया गया है ये राइट्स दिया गया माइनॉरिटीज ग्रुप को, जो कम संख्या में होते बेटा माइनॉरिटी ग्रुप, हिंदू तो मेजोरिटी में ज्यादा संख्या ही होगी, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियंस है, ये कम संख्या में है। तो माइनॉरिटी ग्रुप को आर्टिकल, ये दो आर्टिकल आर्टिकल 29 में, तो जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनको अपना कल्चर और अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, ठीक है, लैंग्वेज और अपना जो कल्चर होता है उसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी सेटअप करने का अधिकार है जो माइनॉरिटी ग्रुप होते हैं आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल जो 30 है उसके अकॉर्डिंग जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं, उनको ये राइट्स दिए गए थे आर्टिकल 29 एंड 30। आपने सुना था मुस्लिम्स जैसे था उनके लिए अपने बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स ओपन करते हैं मदरसे के नाम से जिसको जाना जाता, सुना होगा ये तो
तो वहां पर क्या होता है बेटा, जैसे मुस्लिम्स है उनकी लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ पर उनको अपनी लैंग्वेज बचाने का उर्दू भाषा वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पर बच्चों को उर्दू लैंग्वेज वगैरह सिखाई जाती है पर्टिकुलर, क्योंकि कल्चर और अपनी लैंग्वेज को या फिर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो ओपन करने का राइट दिया जाता है ओनली फॉर दी माइनॉरिटीज ग्रुप ऑफ दी सोसाइटी। समाज में जो माइनॉरिटी ग्रुप होते हैं इसमें दो ही आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 29 ये कहता है कि हमें अपनी संस्कृति को अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, इसको माइनॉरिटी ग्रुप होता है। दूसरा इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन करने का अधिकार है, जैसे मुस्लिम्स उन्होंने मदरसे ओपन किया था ताकि वो अपनी लैंग्वेज उर्दू को बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके, भी बच्चे उसको सीखेंगे तभी तो बनी रहेंगे, अन्यथा तो लोग भूल जाएंगे बेटा उसको। उसके बाद बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट राइट्स है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये भी इम्पोर्टेंट होने का था हमारा। सबसे इम्पोर्टेंट राइट इसी को मानते हैं हम लोग, हिंदी में कहते हैं इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पर आर्टिकल 32 छोड़ दीजिए, यहाँ पर आर्टिकल 32 आया था, इसमें देयर इज आल्सो गिवन सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर आप देखो किसी भी राइट्स की वायलेशन होती है तो यहाँ पर दो तरह की कोर्ट में हमें जाने का राइट्स दिया गया है। द फर्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहले तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है अपने पास, या फिर हमें जाने का अधिकार है हाई कोर्ट। In case of the violation of fundamental rights, that we have to go from Supreme Court or High Court. या तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या फिर हाई कोर्ट में, यानी कि यहाँ पर आप लोगों के पास दोनों ऑप्शन होते हैं। फंडामेंटल राइट्स की कोई भी अवहेलना करता है या फंडामेंटल राइट्स को कोई भी तोड़ने का प्रयास करता है, हमारे एक्सप्लोरेशन करने का प्रयास करता है, हमारी फ्रीडम के ऊपर बैन लगाने का प्रयास करता है, हमारे साथ कोई भेदभाव करता है, तो ये जो प्रोटेक्शन करने का, सभी राइट्स को प्रोटेक्शन करने वाला जो राइट्स है कौन सा बेटा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या थे इसमें, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में आता है, इसमें आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट, ये भी इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के लिए। और यहाँ पर आर्टिकल 226 देयर इज आल्सो प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226। आर्टिकल जो 226 दिया गया वहां पर हाई कोर्ट का प्रोविजन है कि आप लोगों की फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होने पर आप लोगों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड दिस राइट हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल। यानी जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है ना, ठीक है, जो हमारे संविधान के जनक माने जाते हैं, जिसे हम संविधान का फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें हम लोग कहते हैं, उन्होंने इस राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा, यानी कि संविधान का हृदय वो आत्मा का बेटा। तो ये जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा टॉपिक में फंडामेंटल राइट्स के बारे में। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में यदि आप लोग रहते हैं तो आपको राइट्स दिए जाते हैं, सऊदी अरब का आपने एग्जाम्पल देखा यहाँ पर, या फिर आपने कोसावो का एग्जाम्पल यहाँ पर देखा बेटा। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं किया जाता है, या डिक्टेटरशिप की हम लोग बात करें, मोनार्की सिस्टम की आप लोग बात करें, तो आप लोगों को अधिकार नहीं दिए जाते, और विदाउट यू कैन से लाइफ विदाउट राइट्स। सबसे पहले स्टार्टिंग की थी ना मैं लाइफ विदाउट राइट्स, तो बिना अधिकारों के जीवन कैसा होता बेटा, या भलीभांति जानते। आपने यहाँ पर तीन एग्जाम्पल पढ़े थे, सबसे पहला 600 पीपल जो अमेरिका के द्वारा अरेस्ट किए गए थे अलग अलग कंट्रीज से, ठीक है, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस पर अटैक करने के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल माना गया था। सेकंड एग्जांपल आपने पढ़ा कौन सा पढ़ा बेटा, सऊदी अरब वाला एग्जांपल आपने पढ़ा, वहां पर मोनार्क सिस्टम है, राजतंत्र है बेटा, मुस्लिम रिलीजन को वहां पर प्रेफर किया जाता है, लोगों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि वुमेन के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता बेटा वहां पर, ठीक है। तो वहां पर आपने सेकंड एग्जांपल पढ़ा, तीसरे एग्जांपल आपने कोसावो वाला पढ़ा, वहां पर भी अल्बेनियंस जो कम्युनिटी थी उसके साथ कितने सारे भेदभाव होते थे, उनको किसी प्रकार का राइट्स नहीं दिया जाता था। एक ऐसी घटना का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है जिसे सुनकर या जिसे पढ़कर हमारे मन में भी मतलब ऐसी भावना आती है भाई व्यक्ति को राइट्स मिलने चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए। एक ऐसे दंपति बेटा जो एड्स थे उनको मार दिया गया, जो औरत बची उसके हाथ से जो वेडिंग रिंग्स होती है ठीक है ना, उंगली से उसकी वेडिंग रिंग्स बुरी तरह से निकाल ली गई, उसके बाद उनके घर को जला दिया गया। किसके द्वारा किया गया था ये काम, किसके द्वारा किया गया था, तो ये देखे बेटा इसमें अल्बेनियंस जो लोग है कम्युनिटी बेटा उनको किसी प्रकार का जो राइट्स नहीं मिला, तो उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया। तो बेटा ये टॉपिक रहेगा आप लोगों का फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, और जब भी हम सिविक्स पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस बन जाती है आगे चल कर ये, तो इसमें कंप्लीट आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। आर्टिकल्स के बारे में कुछ आर्टिकल्स होते हैं जिसे मैंने आपको बताया था, विच आर्टिकल बैन ऑन अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 ठीक है, इन विच आर्टिकल देयर इज ए प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अपेक्स कोर्ट. इसको हम लोग अपेक्स कोर्ट के नाम से जानते हैं. अपेक्स कोर्ट सबसे सुप्रीम कोर्ट होता है प्लेस पे. सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है दैट इज द लास्ट एंड फाइनल डिसीजन. ठीक है. हाई कोर्ट होता था इन एवरी स्टेट दैट देर इज ऑल्सो ए प्रोविजन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 दैट देर इज ऑल्सो ए हाई कोर्ट ऑफ ए स्टेट. बट देर आर सम कॉमन हाई कोर्ट. ठीक है. कुछ कॉमन भी होता है. हरियाणा पंजाब का कॉमन हाई कोर्ट चंडीगढ़ में हमारा. ठीक है. आसाम उधर चले जाते हैं आप तो पूर्व में ईस्ट में. ईस्ट जो हमारी स्टेट्स है मेघालय मिजोरम त्रिपुरा इनका भी कॉमन है. सब बगीनी जिसको हम लोग कहते हैं सात छोटे छोटे जो राज्य बेटा. ठीक है. तो उनका भी कॉमन है. गुवाहाटी आसाम के अंदर है बेटा ये कम्प्लीटली. तो हाईकोर्ट का भी प्रोविजन है भाई हर स्टेट में हाईकोर्ट होना चाहिए. या कुछ स्टेट ऐसे भी हो सकते हैं जिनका हाईकोर्ट क्या है जिनका हाईकोर्ट कॉमन होगा बेटा. इसलिए तो कम्प्लीट रूप से ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ये हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. हमारे अधिकारों को बचाने का काम करते हैं. एक छोटा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा NHRC ये क्वेश्चन एनकेसी में पहले भी आ चुका है. नेशनल वुमेन राइट कमीशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जो वॉलंटरी बेसिस पर काम करता है टू प्रोटेक्ट अवर फंडामेंटल राइट्स टू प्रोटेक्ट अवर राइट्स हमारे राइट्स को बचाने के लिए. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993 में बेटा ये बना था. ठीक है. इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर स्थित है. NHRC नेशनल वुमेन राइट कमीशन राष्ट्रीय मानव आयोग. ठीक है. अधिकार आयोग जिसको हम लोग बोलते हैं. इसका मेन काम क्या होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का. वो तो करते ही करते बेटा हमारी प्रोटेक्शन. अब NHRC में कौन कौन लोग शामिल होते बेटा. देखिए जो NHRC बना नेशनल वुमेन राइट कमीशन बनाएगा जिसका मुख्य उद्देश्य था जो राइट्स होते हैं उनको लेकर रिसर्च करना या जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना. जो वॉलंटरी बेसिस पर भी काम करते बेटा या कई बार हम लोग अपना केस फाइल करते हैं तो उस बेसिस पर भी इनके द्वारा काम किया जाता है. नेशनल वुमेन राइट कमीशन NHRC के नाम से इसको जाना जाता है 1993 में बना. अब इसका जो कंपोजिशन होता है NHRC में कौन कौन शामिल होते हैं. चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रहेगा बेटा एंड वन अदर फॉर्मल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. एक तो फॉर्मल जज होता है बेटा वो रहेगा और एक रहेगा हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है बेटा वो इसमें शामिल होते हैं. इसकी कंपोजिशन में आ जाता है NHRC में. वन चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट. हाईकोर्ट का भी चीफ जस्टिस रहेगा बेटा इसमें. वन चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट एंड वन फॉर्मल जज. सॉरी यू कैन से वन फॉर्मल जज. एक चीफ जस्टिस देखो सुप्रीम कोर्ट का भी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस और दोनों का एक फॉर्मल. ठीक है. फॉर्मल जज रहेगा बेटा दोनों में से. हाई कोर्ट में से भी सुप्रीम कोर्ट में. कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट में से भी दो व्यक्ति और हाई कोर्ट में से भी दो पर्सन. और इसके बाद अगर हम बात करें बेटा इसमें NHRC में टू पर्सन हु आर एक्सपर्ट रिलेटेड टू राइट्स. यानी कि वो व्यक्ति बेटा जो एक्सपर्ट होते हैं एंड दे हैव गुड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू देयर राइट्स और उनको अपने अधिकारों के बारे में बड़ा अच्छा अनुभव होता है ऐसे दो व्यक्ति को इसका मेंबर बनाया जाता है. कुल मिला के बेटा इसमें 6 मेंबर होते हैं NHRC में. टू अदर हो गए एक सुप्रीम कोर्ट का जज और अदर जज. और इसके बाद बेटा हम बात करें इसमें हाईकोर्ट का जज और जो हमारा अदर फॉर्मल जज होता है. ये इसके कंपोजिशन में आ जाता है. बुक्स में नहीं दिया गया थोड़ा सा ये क्वेश्चन जरूर याद रखेगा. वेन वॉज NHRC फॉर्म डिटेल से इतनी ज्यादा नहीं पूछते आप लोगों से. नेशनल वुमेन राइट कमीशन कब बना. नेशनल वुमेन राइट कमीशन वो कहीं से भी हो सकता था वो देखा जाता है उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर. नेशनल वुमेन राइट कमीशन NHRC के नाम से जिसको जाना जाता था नेशनल वुमेन राइट कमीशन. ये ध्यान रखेंगे आप लोग कब स्टैब्लिश हुआ 1993 में बना बेटा जिसका मुख्य उद्देश्य है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना हमारे अधिकारों को बचाना हमारे अधिकारों की रक्षा करना. तो ये भी एक वॉलंटरी बेसिस पर एक ऑर्गेनाइजेशन बेटा. ये स्वयं भी कार्रवाई कर सकते हैं जब इसको पता लगता है कि वहां पर व्यक्ति के अधिकारों की अवहेलना होगी बेटा. या हम लोग केस फाइल करते हैं तो उस बेसिस पर भी कार्रवाई करता है बेटा. यानी कि हमें न्याय दिलाने का हमें जस्टिस दिलाने का काम करता है. अब देखिए बेटा इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे. सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 अधिकारों के बारे में पढ़ा था. अब राइट्स इन ए डेमोक्रेसी यानी कि जो डेमोक्रेसी होता है उसमें हमें राइट्स दिए जाते हैं. यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है व्हाट आर राइट्स. राइट्स किसे कहते हैं भाई. जो डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी में आप लोगों को राइट्स मिले बेटा. जो लोकतंत्र होता है जैसे हमने लोकतंत्र का बनाया तो हमने को फंडामेंटल राइट्स मिले मौलिक अधिकार मिले. लेकिन यदि मोनार्क सिस्टम की आप लोग बात करें डिक्टेटरशिप की आप लोग बात करें मिलिट्री रूल की आप लोग बात करें आपको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाता. तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आया हमारे मन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट्स. अधिकार किसे कहते हैं अधिकारों का मीनिंग क्या होता है. देखिए बेटा क्या होते हैं राइट्स. व्हाट आर राइट्स. राइट्स आर क्लेम ऑफ ए पर्सन ओवर अदर फेलो बींग्स ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट.
राइट्स क्या करता है, दावा होता है, क्लेम होता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर कर सकता है, ओवर दी सोसाइटी या समाज के ऊपर कर सकता है एंड ओवर दी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के ऊपर कर सकता है। एक ऐसा क्लेम जो एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति पर, समाज पर या गवर्नमेंट पर जो दावा करता है, जो क्लेम करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राइट्स कहते हैं। अंडरलाइन करेंगे इसको। सबसे पहले जो डेफिनेशन होता है यहाँ पर, अधिकार किसे कहते हैं, अधिकार का मतलब क्या होता है, राइट्स आर ए क्लेम ऑफ ए पर्सन ओवर अदर फेलो बींग्स, ओवर दी सोसाइटी एंड ओवर दी गवर्नमेंट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट्स। अधिकार किसे कहते हैं, अधिकारों का मतलब क्या होता है, यानी कि जब एक व्यक्ति दावा करता है दूसरे व्यक्ति के ऊपर या समाज के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर, उस क्लेम को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, राइट्स कहेंगे, अधिकार कहेंगे हम लोग उसे, ठीक है, क्लेम कहेंगे कैसे। ऑल ऑफ अस वांट टू लिव हैप्पीली विदाउट फियर एंड विदाउट बींग सब्जेक्टेड टू दी डिग्रेडेड ट्रीटमेंट। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन खुशी से जीना चाहता है, विदाउट एनी फियर, बगैर किसी डर के, विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू डिग्रेडेड ट्रीटमेंट। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ किसी प्रकार का समाज में कोई भेदभाव ना हो, वो खुशी खुशी समाज में रहे, बेटा अपना जीवन यापन करे। फॉर दिस वी एक्सेप्ट अदर टू बिहेव इन सच ए वे That does not harm us or hurt us। कहते हैं कि इसलिए प्रत्येक व्यक्ति चाहता है हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करें जिससे उसको कोई हर्ट ना हो या कोई हानि ना हो। इक्वली अवर एक्शन शुड नॉट आल्सो हार्म और हर्ट अदर। कहते हैं कि उसी तरह से बेटा हमारे भी, हमें भी ध्यान रखना चाहिए भी, हमें भी ऐसे काम करना चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई हर्ट ना हो। सो ए राइट इज पॉसिबल व्हेन यू मेक ए क्लेम दैट इज इक्वली पॉसिबल फॉर अदर। कहते हैं कि क्लेम का मतलब यही होता था जो दूसरों के लिए बराबर होता है। कहते हैं ना डू रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट। कहते हैं कि हमें क्लेम तो हम लोग कर दे बेटा, लेकिन क्लेम जायज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग अपनी मनमानी करने का प्रयास करें। हमें ये लगना चाहिए कि जो काम हम, जैसे हम लोग चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें हर्ट ना करे, तो दूसरा व्यक्ति भी हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन रखता है कि आप भी उसको हर्ट ना करें, ठीक है। तो ऐसे तो आप लोग दावा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं बेटा ऐसे अधिकारों का, लेकिन जिन क्लेम को समाज मान्यता नहीं देता वो अधिकार नहीं बनेंगे, वो कभी भी आप लोगों के राइट्स नहीं कहलाएंगे, जिनको समाज के द्वारा मान्यता नहीं दी जाती राइट्स। लेकिन नेक्स्ट आगे क्या कहते हैं, यू कैन नॉट हैव ए राइट टू प्ले ए गेम इन सच ए वे दैट इट ब्रेक द नेबर्स विंडो। कहते हैं कि आप लोगों को खेलने का राइट्स है बेटा, लेकिन आप लोगों को ऐसे खेलने का राइट्स नहीं है जिससे आप लोग अपने पड़ोसी की विंडो को तोड़ देते हैं, ठीक है। खेलने का राइट्स है आप लोगों को, मान लो आप लोग चाहते हैं कि हम क्रिकेट खेलें, आप लोगों को राइट्स है खेलने का, बिल्कुल बिल्कुल जायज बात है, आप लोग खेलने का आप लोगों को अधिकार दिया गया, बट ये नहीं है कि आप लोग खेलते हुए पड़ोसी की जो क्रिया होती है उनको तोड़ दें आप लोग, ठीक है। क्या ठीक बात है? अब आप लोग ये क्लेम करो भाई हम लोग क्रिकेट तोड़ेंगे तो क्या होगा, डिस्प्यूट होगा, झगड़ा होगा, होगा भी नहीं। तो क्लेम के बेटा ऐसे होने चाहिए जिसको समाज मान्यता देता है, जिसको समाज ये कहता है भाई ये क्लेम ठीक है, वो जायज होता, ठीक है। तो क्लेम वही राइट्स बनेगा जिसको समाज के द्वारा मान्यता मिली होती है। ये दावा कर दे तो आप लोग भैया हम तो खेलेंगे यहीं पर, हम तो खिड़की को भी तोड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, डिस्प्यूट होंगे, पड़ोसी आप लोगों के साथ झगड़ने के लिए आएगा, लड़ने के लिए आएगा, ठीक है। हो सकता है एक बार तोड़ दें आप लोग तो चुप रहे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपका विरोध करने के लिए आएगा, नहीं पहले भी आपने तोड़ दी थी, अब भी आप लोगों ने तोड़ दिया। तो जो क्लेम होते बेटा, क्लेम को समाज के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, समाज के द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। दी सर्ब इन यूगोस्लाविया कुड नॉट हैव क्लेम दी होल कंट्री फॉर देमसेल्फ। कहते कि जो सर्ब थे बेटा यूगोस्लाविया में रहने वाले, वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि पूरा देश उनका है, ठीक है। क्या क्लेम कर रहे थे वो तो लोग भाई पूरा देश हमारा है, ठीक है। क्या अच्छी बात थी बेटा? नहीं थी, क्योंकि वहां पर दूसरी जो अल्जेरियन लोग हैं, अल्जेरियन कम्युनिटी के लोग भी रहते थे। तो क्लेम हमारा ऐसा होना चाहिए जिसको समाज भी ठीक माने या समाज भी जिसको स्वीकार करेगा। ये क्लेम वी मेक शुड बी रीजनेबल। कहते हैं जो क्लेम हम लोग करते बेटा वो रीजनेबल होना चाहिए। दे शुड बी सच दैट कैन नॉट बी अवेलेबल टू अदर इन एन इक्वल मेजर। दस ए राइट कम विद एन ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट अदर राइट्स। कहते हैं कि हम अपने अधिकारों की जब बात करते बेटा तो हमें दूसरे के अधिकारों को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। तो रिस्पेक्ट हम लोग करेंगे दूसरे के अधिकारों की, वो हमारे अधिकारों की रिस्पेक्ट करेंगे। Just because we claim something, it does not become our rights. It has to be recognized by society we live in. कहते हैं कि हमारे क्लेम करने से बेटा कोई भी अधिकार, ठीक है, राइट्स नहीं बन जाएगा। हमारा कोई भी अधिकार है वो राइट्स नहीं बन जाएगा जब तक समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा, जब तक समाज उसको मान्यता नहीं देगा। राइट्स एक्वायर मीनिंग ओनली इन सोसाइटी। एवरी सोसाइटी मेक्स सर्टेन
रूल्स टू रेगुलेट अवर कंडक्ट, दे टेल अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। कहते हैं कि समाज बेटा हमारे व्यवहार को देखता है और समाज ये भी बता देता है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, कि हमारे लिए क्या ठीक है क्या गलत होता है। जिस समाज में हम लोग रहते हैं तो समाज हमारी आइडेंटिफिकेशन भी करने का काम करता है, भाई हमारे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। That is why notion of rights, that is why the notion of rights change from time to time and society to society. कहते हैं इसी कारण से था जो अधिकारों के विचार होते हैं वो समय समय पर चेंज होते रहते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जो अधिकार होते हैं हमारे, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें चेंज आता रहता है, बदलाव आते रहते हैं। जिससे हमने फंडामेंटल राइट्स बिगनिंग में आप लोगों को पता है राइट टू प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, मौलिक अधिकारों में। लेकिन एक ऐसा टाइम आया कौन से अमेंडमेंट के द्वारा चेंज किया गया इसको, 44th अमेंडमेंट के द्वारा, 1978 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा हमने इसको रिमूव कर दिया। क्यों किया, क्योंकि इससे समाज में इनइक्विटी आने लगी थी बेटा, अमीर अमीर होता जा रहा था, गरीब गरीब होता जा रहा था, लेकिन जो डिस्टेंस था रिच और पुअर के बीच का वो बढ़ता जा रहा था। तो जो अधिकार होते हैं तब उस समय के हिसाब से चेंज भी होते रहते हैं, उनमें हम लोग बदलाव भी करते रहते हैं। फंडामेंटल राइट्स थे, इसको हमने कौन से राइट्स में रखा, लीगल राइट्स में, ठीक है, लीगल राइट्स में आर्टिकल 300A में इसको रिमूव कर दिया था, फंडामेंटल राइट्स से इसको रिमूव कर दिया। तो अधिकार होते थे उस समय के साथ साथ, या समाज अलग अलग तरह के समाज होते हैं तो उसमें जो राइट होते थे वो चेंज होते रहते, वो बदलते रहते समय के साथ साथ। आर्टिकल 31 में क्या है, The 100 years ago, anyone who said that women should have right to vote would have sounded strange. Today, no guarantee them vote in Saudi Arab appears strange. कहते बेटा जो औरतों को पहले वोट डालने का राइट्स नहीं मिलता था वो हमें अजीब लगता था, बिल्कुल सेम सी बात लगती थी, औरतों को वोट डालने का राइट्स नहीं था पहले। बहुत सारे कंट्री ऐसे होते हैं जहां पर औरतों को वोट डालने का राइट्स नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो ये बात हमें आज अजीब लगती है, स्ट्रेंज बात लगती है, क्यों, क्योंकि आज मोस्टली कंट्रीज में औरतों को वोट डालने का अधिकार दिया गया, लेकिन सऊदी अरब में अभी भी औरतों को वोट डालने का राइट्स नहीं दिया गया। नोट करेक्टिंग दैम वोट सऊदी अरब अपीयर स्ट्रेंज Today, no guaranteeing them vote in Saudi Arab appears strange. यानि सऊदी अरब में आज भी औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं है बेटा, जो बिल्कुल अलग हमें दिखाई देता, बिल्कुल अजीब सा हमें लगता है, औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं बेटा। पहले हमने सऊदी अरब वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि औरतों के साथ वहां पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, यहाँ तक कि बेटा टू वुमेन इज इक्विवेलेंट टू वन मैन, ठीक है, दो होती थी उसको एक पुरुषों के बराबर महत्व दिया जाता था, उसकी इम्पोर्टेंस कम होती थी, कहने का मतलब है समाज के अंदर। When the socially recognized slaves are written in law, they acquire real force, otherwise they remain merely as natural or moral rights. कहते हैं कि जब किसी भी अधिकार को बेटा कानून में लिख दिया जाता है, यानी कि रिटर्न कर दिया जाता है उसे कानून के रूप में, तो उसे प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। हमने कोई राइट्स बना दिए, ठीक है, देखो सारे के सारे राइट्स हैं, लेकिन उनको कानूनन प्रोटेक्शन भी तो मिले बेटा नीचे की तरफ, वही संविधान में किसी भी अधिकार की वायलेशन होती है उनको बचाने का जो काम है वो हमारी जुडिशरी करती है या हमारे कोर्ट के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब होता है जो राइट्स होते हैं, राइट्स को यदि हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं समाज में, वो तभी सक्सेस होंगे जब उसके पीछे कानून का फियर रहेगा, कानून का डर रहेगा। अब अपने को ये पता है कि हम किसी की फ्रीडम को छीनने का प्रयास करेंगे, भाई वो व्यक्ति हमारे ऊपर केस कर देगा और हमें सजा हो सकती है, पनिशमेंट हो सकती है। किसी भी अधिकार का वायलेशन करने का कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है उसके मन में क्लियर रहता होगा, ठीक है, व्यक्ति क्राइम क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके मन में क्या है, कानून का डर है। उसी तरह से ना हमारे जो राइट्स हैं, राइट्स की भी वायलेशन इसलिए नहीं करता व्यक्ति, क्योंकि यदि राइट्स की वायलेशन करेगा वो तो हमारे पास जुडिशरी होती है, हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं, हम लोग केस फाइल कर सकते हैं, तो अधिकारों को बचाने का काम करती है। आप हमें वोट बताते हुए ना तब आपको वोट डालने का अधिकार नहीं है औरतों को, तभी तो नहीं है वोट डालने का अधिकार, ठीक है, क्योंकि वहां पर मोनार्क सिस्टम को फॉलो किया जाता है, वहां पर राजतंत्र है आज भी वहां पर, ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वहां पर, लोगों को वोट डालकर नहीं सुना जाता, ठीक है, तो वोट डालने का अधिकार ही नहीं है वहां पर, तो ये माना जाता है। आप वहां पर नहीं होता वोट डालने का, इलेक्टेड तो होते ही वो तो हेरिडिटरी चलते हैं, वन स्वाद चल रहा है वन बाय वन, ठीक है, राजा है राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, हेरिडिटी में रहते हैं, उसके बाद केस में दी प्रिजनर इन दी गुआंतानामो बे हैड ए मोरल क्लेम नॉट टू बी टॉर्चर और ह्यूमिलिएटेड। कहते हैं कि जो प्रिजनर बेटा जिनको गुआंतानामो बे में बंदी बनाया गया था, ये हमारा नैतिक दावा था, वही ये मानवता के खिलाफ है कि उनको टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए, वही हम लोग मानते थे नैतिक रूप से कि उन लोगों को टॉर्चर नहीं करना चाहिए, उन लोगों को यातनाएं नहीं दी जानी चाहिए। बट दे कुड नॉट गो टू एनीवन टू एनफोर्स दिस क्लेम।
वेल नो रिकॉग्नाइज सम क्लेम दे बिकम एनफोर्सेबल, कहते कि जब कानून में कुछ राइट्स आ जाते हैं तो उनको लागू कर दिया जाता है. वी कैन देन डिमांड देयर एप्लीकेशन व्हेन फेलो सिटीजन और गवर्नमेंट डू नॉट रिस्पेक्ट दीज राइट्स, वी कॉल रिकॉग्निशन ऑफ इंफ्रिंजमेंट ऑफ आवर राइट्स. कहते कि जब भी हमारे अधिकारों के वेन होती है ठीक है नागरिकों के या गवर्नमेंट के, तो एक तरह से उसे इन राइट्स को बचाने का अधिकार है. इन सच सर्कमस्टांसेस सिटीजन कैन अपोज कोर्ट टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स. कहते कि ऐसी स्थिति में जो नागरिकों के अपने अधिकारों को बचाने के लिए कहां जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, अदालत में जाने का अधिकार होता है. सो इफ यू वॉन्ट टू कॉल एनी क्लेम ए राइट, इट हैज हैव थ्री क्वालिटी. कहते कि जब हम किसी भी क्लेम को राइट्स कहते हैं उसमें तीन क्वालिटी होनी चाहिए. कौन कौन सी? राइट्स आर रीजनेबल, जो राइट्स होते हैं वो रीजनेबल होने चाहिए. ऑफ ए पर्सन रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी, समाज के द्वारा उसको मान्यता मिलनी चाहिए. एंड सेंक्शन बाय लॉ, और कानून के द्वारा उसको सेंक्शन किया जाना चाहिए. भाई अधिकार यानी कि जो हम क्लेम करते हैं उस क्लेम को हम लोग एक राइट्स तभी मानेंगे जब क्या करें उसको लोगों के द्वारा उसको, यानी कि इसमें तीन पॉइंट्स आते हैं, तीन फीचर इसकी आती है. राइट्स है वो रिजनेबल होने चाहिए जिससे लोगों के द्वारा स्वीकृति मिले. दूसरा बेटा इसमें रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी, समाज भी उनको मान्यता दे. और तीसरा बेटा इसमें सेंक्शन बाय लॉ, और कानून के द्वारा उसको सेंक्शन किया जाए. ठीक है, यानी कि कानून उनको प्रोटेक्ट करने का काम करे. तो ऐसे क्लेम को ही हम लोग राइट्स बना सकते हैं जो रिजनेबल होता है, जिसे समाज स्वीकार करता है, और उसके बाद इसमें सेंक्शन बाय लॉ जिसे कानून की मान्यता प्राप्त होती है, कानून के द्वारा सेंक्शन किया जाता है, जिसको बेटा कानून के द्वारा उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है. तो ऐसे ही राइट्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसे क्लेम को, ऐसा जो क्लेम होता है हमारा उसी को हम लोग राइट्स कह सकते हैं जो रिजनेबल होता है, जिसे समाज के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है. सेंक्शन कौन करता है उसको? कानून के द्वारा. तो यहाँ पर कानून का भी तो क्लियर रहेगा हमारे मन में, ये हमने राइट्स दे दी. मान लो कोई कानून ही नहीं है, इनको प्रोटेक्ट करने वाले कोर्ट नहीं है, जुडिशरी नहीं है, तो लोग एक दूसरे की राइट्स की रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, एक दूसरे की वायलेशन करने का प्रयास करेंगे राइट्स की. तो यहाँ पर हम कंप्लीटली बात करते हैं तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, इसमें हमारे कोर्ट्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट. तो ये कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, बचाने का काम करते हैं. तो यहाँ पर आपको कंप्लीटली देखेंगे जो राइट्स होते हैं.